इसके लिए ये जो चैप्टर स्टार्ट है इलास्टिसिटी, इस चैप्टर में क्या बताया जाता है, हम स्टडी करते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। अब दो किस्म के मटेरियल्स हैं, एक इलास्टिक है और एक प्लास्टिक है। इलास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनको आपने डिफॉर्म किया, मतलब फोर्स लगा के उनको, उनकी डायमेंशन को चेंज किया, उनको खींचा और छोड़ दिया। अगर वो ओरिजिनल साइज पर वापस आ गए तो वो इलास्टिक मटेरियल है, और अगर ना आ पाए फिर वो प्लास्टिक मटेरियल है। खींचते गए खींचते गए खींचते गए, बिल्कुल वापस नहीं आए और टूट गए तो प्लास्टिक मटेरियल है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? हम यहाँ पर इलास्टिक मटेरियल्स की बात करने वाले हैं। अब इलास्टिक मटेरियल से कई लोग सोचते हैं कि शायद किसी रस्सी की बात हो रही है जो कि इलास्टिक है, या शायद किसी स्प्रिंग की बात हो रही है जो कि इलास्टिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो लिक्विड और गैसेस हैं इनके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, गैसेस को कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंडीशंस के साथ, और हम देखेंगे कि उसकी जो कंप्रेशन है वो बेसिकली क्या है। कंप्रेस उसको V1 होना था पर आपने और कंप्रेस करके V2 कर दिया, तो बेसिकली वो इलास्टिक है, इसलिए वो कंप्रेस हो पा रहा है। तो गैसेस की भी इलास्टिसिटी होती है, लिक्विड की भी होती है और सॉलिड्स की भी होती है। तो ये सारे मैटर को हम स्टडी करेंगे इलास्टिक मटेरियल्स की कैटेगरी में। अब ये जो चैप्टर स्टार्ट है इलास्टिसिटी, ये एक लॉ के साथ स्टार्ट है और फेमस लॉ है जिसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक इसने लॉ बताया कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसने यहाँ से कहानी स्टार्ट की। अब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन में एक कॉन्स्टेंट आया जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट क्या है स्ट्रेस और क्या है स्ट्रेन, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो हुक्स लॉ समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का मतलब है, ये हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर भी किया था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये स्ट्रेस है। सिंपल, फोर्स बाय एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। आप में से कई लोग ये भी पूछेंगे कि प्रेशर भी तो होता है, ये स्ट्रेस तो नहीं है, प्रेशर भी है। लिक्विड के केस में हम इसे प्रेशर बोल देते हैं, सॉलिड और वायर्स के केस में हम इसे स्ट्रेस बोल देते हैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ये फोर्स बाय एरिया। और अगर मैं बात करूं किसकी, स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज स्ट्रेन। अब डायमेंशन जैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इस वायर को आपने सीलिंग से टांग दिया, और लेट अस सपोज इसकी जो लेंथ है वो एल है, आपने इसको लंबा कर दिया, खींच दिया, और नई लेंथ कितनी हो गई, एल डैश। तो डेल्टा एल क्या हुआ, एल डैश माइनस एल। तो कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, लेंथ की डायमेंशन चेंज हो रही है। तो चेंज इन डायमेंशन यहां पर क्या आएगी, डेल्टा एल, ओरिजिनल डायमेंशन क्या आएगी, एल। तो डेल्टा एल बाय एल क्या होगा, स्ट्रेन। इसको फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को भी स्ट्रेन बोलते हैं, कि कितना आपका फ्रैक्शन लेंथ का चेंज हुआ वो इसकी लेंथ की स्ट्रेन है। सिर्फ लेंथ की स्ट्रेन नहीं, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, आपके पास एक बॉल है, आपने हर तरफ से इसे क्या किया, कंप्रेस किया, बॉल का वॉल्यूम पहले वी था, अब बॉल का वॉल्यूम दब के क्या हो गया, वी डैश हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा वी। फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, डेल्टा वी बाई वी। ये भी स्ट्रेन है, ये वॉल्यूम में स्ट्रेन है, ये लेंथ में स्ट्रेन है, ये वॉल्यूम में स्ट्रेन है। इसके कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि लेंथ के यूनिट्स लेंथ से कैंसिल हो जाएंगे और वॉल्यूम के यूनिट्स वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएंगे, कोई इसमें कोई जो है इसको कोई यूनिट्स नहीं है। तो जो भी फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू आएगी, चाहे लेंथ में आए चाहे वॉल्यूम में आए, वो उसका स्ट्रेन है। तो दो ही चीज़ें हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो अगर हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें इसमें, तो अब हम वापस चलते हैं इसके ऊपर, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ने क्या बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन एक और है, या तो हुक्स लॉ ये कहता है या हुक्स लॉ ये कहता है। अब ये हुक्स लॉ ने ये क्या कहा, स्ट्रेस का मतलब क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन का मतलब क्या है, जैसे डेल्टा एल बाय एल, सिंपल। तो
तो अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा ऑन अ गिवन एरिया, तो मतलब मैं स्ट्रेस ज़्यादा लगा रहा हूँ, मैं स्ट्रेस ज़्यादा लगा रहा हूँ, मैं फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो उसका डेल्टा एल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बहुत सिंपल है, जो फोर्स है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वायर को खींचने के लिए, डेल्टा एल उतना ही ज़्यादा आएगा। सिंपल है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल हो गया, कोई डाउट इसमें? तो एफ को बोलते हैं लोड, भार या फोर्स, और डेल्टा एल को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। तो यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का मतलब कि जो लोड है वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ एक्सटेंशन का और लोड का, तो ये पक्का क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो ये है आपका हुक्स लॉ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, उतनी ज़्यादा उसमें चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल है। अब ये जो चैप्टर है, यहीं से ये तो हुक्स लॉ की इंट्रोडक्शन है। स्ट्रेन मैंने बता दिया, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन है। मैंने एग्जाम्पल ले दिया कि अगर आपके पास ओरिजिनल लेंथ एल है, आपने इसके ऊपर फोर्स एफ लगाई और इंक्रीज इन लेंथ कितनी हो गई? डेल्टा एल। तो इसमें स्ट्रेन क्या बनेगा? डेल्टा एल बाय एल। अगर आपके पास एक बॉल है, वो कंप्रेस होकर वी डैश हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, ये भी एक स्ट्रेन है। और एक और स्ट्रेन है जो ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करता, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये तीसरे किस्म का स्ट्रेन है जो इनसे अलग है। और वो है कि अगर आपके पास एक वायर है और वायर पे आपने फोर्स लगाई एफ और ये वायर बेंड हो गई, जैसे एक खंबा है, एक खंबा फोर्स चली, हवा चली और वो पोल जो है वो बेंड हो गया, बिल्डिंग खड़ी हुई है, बहुत टॉल बिल्डिंग है, हवा चली या अर्थक्वेक आया, वो बेंड हो गई। देखो वो छोटी बड़ी नहीं हुई, लेकिन वो बेंड हो गई। जब वो बेंड हुई बाय द एंगल ऑफ थीटा, बहुत छोटा बेंड होगा इसमें, इस थीटा को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, एक तीसरे किस्म का स्ट्रेन है। तो कितना एंगल चेंज हुआ, कितना एंगल बेंड हुआ कोई बॉडी या कोई भी पोल, उसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, थीटा। तो पहले किस्म का जो स्ट्रेन है वो लेंथ में स्ट्रेन है, दूसरा वॉल्यूम में स्ट्रेन है, तीसरा एंगल को ही स्ट्रेन बोलते हैं। इवन अगर आप एफ फोर्स यहां लगा रहे हैं और ये पोल मान लो राइट की तरफ चला गया, कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स, और ये लेंथ क्या है एल और ये थीटा, तो ये एंगल बहुत छोटा है, और मैक्स में अगर एंगल छोटा है तो थीटा को टैन थीटा माना जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा एक्स बाई एल है, या थीटा अप्रॉक्सीमेटली एक्स बाई एल है। तो ये तीन किस्म के स्ट्रेन क्लियर है। तो अगर स्ट्रेन लेंथ में है, लेंथ में वायर के केस में लेंथ में स्ट्रेन है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नाम है इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन वॉल्यूम में है, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन इस पोल में है एंगल, इसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन कितने टाइप के हुए? तीन टाइप के हुए, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक और तीसरा शेयर स्ट्रेन। तो तीन ये स्टेटमेंट्स या तीन डेफिनेशंस क्लियर हैं यहाँ तक। तो ये जो वायर के अंदर जो हम इलास्टिसिटी को स्टडी करते हैं, देखो चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी है, स्ट्रेन क्यों आता है, इलास्टिसिटी कहाँ मैटर कर रही है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। देखो ऐसा तो है नहीं किसने एमए बैठ के चैप्टर लिख दिया। आपने एक लिफ्ट लगानी है घर में, अब जो लिफ्ट की जो रस्सी है वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है, ऑब्वियसली उसको रुकना भी है, तो कुछ इलास्टिसिटी उसमें होती है। क्रेन्स की जो रस्सी है वो भी इलास्टिक है, इवन जो स्टील आप घर में लगाते हो घर बनाने के लिए, वो भी इलास्टिक है। अर्थक्वेक्स के अंदर क्या, ये स्टील बहुत बढ़िया लगाना चाहिए, बेसिकली क्या होता है वो स्टील जो है वो इलास्टिक है। अर्थक्वेक में बेसिकली क्या होता है, जो अगर आ जाए तो वो एटलीस्ट वो टूटेगा नहीं, वो झूल जाएगी बिल्डिंग लेकिन टूटेगी नहीं, क्योंकि वो इलास्टिक है। तो बहुत समझ के ये मटीरियल बनाए जाते हैं, स्टील सरिया जिसे बोलते हो आप, उसके साथ ही बिल्डिंग आज की डेट में बनती हैं, क्योंकि अगर कल को इस टाइप की प्रॉब्लम है तो इलास्टिसिटी काम आएगी। तो जो स्टील है, स्टील की वायर है, अगर उस पर काम करना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स पे काम करना पड़ेगा। और ये क्यों आते हैं, क्योंकि लिफ्ट है, आप लिफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, लिफ्ट का खुद का बहुत वेट है, तो रस्सी 6-8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज कर जाती है। आप एक चीज को खींच के ही रखेंगे तो देखो कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस कर देंगे, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ वीक होगी होगी, तो उसकी इलास्टिसिटी वीक होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर यूज होता है, ये जो कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसमें स्ट्रेन वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम किसमें चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आप मान लो ओशन या सी के अंदर 3 किलोमीटर नीचे जाएं और एक बॉल को नीचे ले जाएं, बॉल का वॉल्यूम था 10 सेंटीमीटर क्यूब, पानी के बहुत डेप्थ नीचे जाके प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा पानी का हर तरफ से कि बॉल कंप्रेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, आप देखेंगे उसका वॉल्यूम 8 हो गया, 10 से 8 हो गया, और हो सकता है 7 भी हो जाए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सिर्फ यही नहीं,
आप गैसेस को कंप्रेस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में बल्क ये यूज़ नहीं करते, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फिजिक्स वाले यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे कि कितना कंप्रेशन के साथ कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना किया आफ्टर कंप्रेशन आपने, क्योंकि हम ये मानते हैं गैस के पार्टिकल जब कंप्रेस करते हैं वो भी इलास्टिक इन नेचर है, वो हिल सकते हैं, इलास्टिसिटी है उनमें। तो लिक्विड में और गैसेस के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट चलता है, और इसमें वायर्स में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट चलता है, और बिल्डिंग टेढ़ी हो गई इसमें शेयर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट चलता है, ये तीसरी कैटेगरी है। ठीक, तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहाँ पर ये काम, देखो इलास्टिक नहीं होगा टूट जाएगा यार, ये झूलेगा नहीं, तो इलास्टिक है झूलेगा ये, तो बेसिकली इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है। तो हमने स्ट्रेस, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो पहले केस में वायर के बिल्कुल क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो, ये नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई एफ नीचे की तरफ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और फोर्स कैसे लगा रहा हूं मैं नीचे की तरफ, इस एरिया के परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, इस एरिया के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगा रहा हूं, तो ये फोर्स एरिया के नॉर्मल है, ये नॉर्मल फोर्स है, इस बॉल के ऊपर भी फोर्स नॉर्मल लग रही है, ये भी नॉर्मल फोर्स है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, टेंजेंशियल लग रही है, इस एरिया पे टेंजेंशियल लग रही है, क्योंकि नॉर्मल फोर्सेस बॉडी की शेप और साइज दोनों खराब कर देते हैं, साइज खराब कर देते हैं, वॉल्यूम चेंज कर देंगे नॉर्मल फोर्स, लेंथ चेंज कर देंगे, लेकिन टेंजेंट से लगाई हुई फोर्स बॉडी को की जो है डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इनकी डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। तो आप चेक करें, मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाई, ये एल एल ही रहेगा, लेकिन ये जो एफ फोर्स है ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। अब क्योंकि स्ट्रेस हमने क्या फॉर्मूला किया था, फोर्स बाय एरिया, अगर तो ये केस है वायर को खींचने का केस है, फिर तो फोर्स नॉर्मल लगी, तो कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। हम बोलते हैं स्ट्रेस दो किस्म के होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, अगर इस पर फोर्स लगी परपेंडिकुलरली तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसमें भी स्ट्रेस नॉर्मल है फोर्स बाय एरिया, पर इसमें स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, ये देखो फोर्स अपॉन ये वाला एरिया, साइड का एरिया लेना होता है कैलकुलेशन में, छत का एरिया लेना नहीं है, साइड का एरिया लेना होता है स्ट्रेस के लिए, फोर्स अपॉन एरिया, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो वैसे बहुत अंतर नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले के अंदर वैल्यू तो सेम ही रहेगी एफ बाय ए, न्यूमेरिकल वाइज आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल वाइज तो एफ बाय ए ही फॉर्मूला चलता है, पर आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ कि कैसे फर्क होता है इनमें। तो ये दो किस्म के स्ट्रेस हैं, पहला स्ट्रेस कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस है, दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस है। और स्ट्रेन तीन किस्म के हो गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और शेयर स्ट्रेन है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस वॉज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सम स्ट्रेस इज सम कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन, कॉन्स्टेंट इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब क्योंकि स्ट्रेन तीन किस्म के हैं, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस नॉर्मल लूँ लेकिन स्ट्रेन क्या लूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, या फिर मैं नॉर्मल स्ट्रेस लूँ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लूँ, और ऐसी अगर मैं स्ट्रेस टेंजेंशियल लूँ और शेयर स्ट्रेन लूँ थीटा, क्योंकि तीनों के स्ट्रेन डिफरेंट है तो तीनों के कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट ही होंगे। तो जो पहला कॉन्स्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाय एल। और इस कॉन्स्टेंट को यंग साइंटिस्ट ने निकाला था, अपने नाम का कॉन्स्टेंट लगाया यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इस कॉन्स्टेंट का नाम है, यंग्स मॉडुलस। तो ये कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटीज हैं, और इस कॉन्स्टेंट को यंग्स मॉडुलस तब बोलते हैं अगर मैंने स्ट्रेन क्या लिया, डेल्टा एल बाय एल लॉन्गिट्यूडनल लिया। अगर मैंने स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक लिया, फोर्स बाय एरिया, डेल्टा वी बाय वी। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, पर नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, ये तो बताओ उसमें लगा रहे हैं इसमें लगा रहे हैं, बताता हूँ। तो अगर आपने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक लिया, माइनस साइन का आंसर दे रहा हूँ, तो इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बी या के कुछ भी सिंबल है इसका। तो नॉर्मली बल्क वर्ड तब यूज करते हैं जब मैटर लिक्विड या गैसेज हो, तो वहां पर बल्क वर्ड यूज, तो इसका नाम है बल्क मॉडुलस। और लास्ट है, अगर आपका फोर्स बाय एरिया स्ट्रेन तीसरे किस्म का थीटा यूज किया, इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस। इसको प्लीज चेंज करो, है तो ये मॉडुलस इलास्टिसिटी, पर इसका स्पेशल नाम है शेयर मॉडुलस, लिख लो शेयर मॉडुलस, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है शेयर मॉडुलस। तो तीन किस्म के ये कॉन्स्टेंट हो गए, यंग्स मॉडुलस, दूसरा कौन सा है बल्क मॉडुलस, और तीसरा शेयर मॉडुलस। तो ये तीन किस्म के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वायर वाले में तो वो आएंगे, और आपकी लिक्विड गैसेस में ये आएंगे, और टेढ़े मेढ़े बिल्डिंग हुई और ये वाला आएगा।
ये बहुत कम यूज होता है वैसे एग्जाम में, बहुत कम क्वेश्चन आता है, हम करेंगे लेकिन बहुत रेयर है इसका क्वेश्चन आना। एक आध क्वेश्चन आया होगा पिछले, आप लगाओ 10 क्वेश्चन में से शायद एक आध क्वेश्चन या 20 में से 1 क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे से आता है। और ये इसलिए नहीं आता ज़्यादा क्योंकि ये ना थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज़ होने वाला है, वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये नॉर्मल यूज़ करते हैं बल्क मॉडल्स, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ज़्यादा काम जो है इस चैप्टर में इसका काम है, वायर्स के ऊपर काम ज़्यादा है, ठीक है यहाँ तक। तो फॉर्मूलाज के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि पहली बात तो ये जो बल्क मॉडल्स है लिक्विड और गैसेस के लिए काम आता है, और लिक्विड और गैसेस के केस में हम वर्ड फोर्स बाय एरिया की जगह क्या लगाते हैं, प्रेशर, उसमें नहीं लगाते, सॉलिड में नहीं, वायर में प्रेशर नहीं बोलते, स्ट्रेस बोलते हैं, लिक्विड और गैसेस में प्रेशर। तो यहां पर क्या आ गया, प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नेगेटिव साइन का सिंबल बताता हूँ क्या सिग्निफिकेंस है। बल्क मॉडल्स जो होता है ना ये वाला, ये नेगेटिव नहीं होता, ये सारे कॉन्स्टेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब हुआ क्या, आपने एक बॉल को लिया, बॉल का वॉल्यूम क्या था 10, पानी के नीचे आके बॉल का वॉल्यूम कितना हो गया 8, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, 8 में से 10 गया -2। तो क्योंकि ज्यादातर केस कंप्रेशन के आते हैं न्यूमेरिकल्स में, 99.99% केस कंप्रेशन के आते हैं, तो इसलिए डेल्टा वी को जो -2 पुट करोगे माइनस माइनस प्लस होके अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन कल को कोई ये कहेगी जी मैं तो बॉल को समुद्र से निकाल के ऊपर ले आया, अब मेरा वॉल्यूम तो 8 से 10 हो गया, भाई तुम माइनस मत लगाना, तुम यहां पर 2 ही पुट कर देना। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसे करना है, बट नॉर्मली ये कंप्रेशन के केस में फॉर्मूला चलता है जिसमें माइनस साइन हम लगाते हैं, और मैंने रीजन दे दिया क्यों, क्योंकि जब बॉल्स कंप्रेस होने वाली हैं आपका डेल्टा भी नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, पर अगर एक्सपेंशन आया, मैं फिर कह रहा हूं, तो आप माइनस मत लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर बल्क मॉडल नेगेटिव मत निकालना, वह पॉजिटिव आएगा एंड में, तो पॉजिटिव आएगा, अब तुम खुद देख लेना कैसे करना है, ठीक है यहां तक क्लियर है। पर एक्सक्यूज मी नॉर्मली सर, बोलो, सर एक बार फिर से बताना नेगेटिव का सही क्या। अच्छा मैंने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन में बता रहा हूं कि क्वेश्चन में ऐसा होता है, देखो पॉइंट पहले एक बात को समझ लें, हम यहाँ पर कंप्रेशन में क्यों इंटरेस्टेड हैं, नॉर्मली वाटर के केस में क्या होता है यार, हम पानी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम पानी के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, एयर में एक्सपेरिमेंट तो हमने कर रखे हैं, पानी के अंदर समुंदर के अंदर बहुत किलोमीटर नीचे जाके देखना है हमें क्या होना है, तो हमारी चीज़ें कंप्रेस होनी ही है। तो अगर कंप्रेशन होना है तो मैंने ये बताया था कि अगर आपका मान लो वॉल्यूम इनिशियल 10 सेंटीमीटर क्यूब है और फाइनल वॉल्यूम आपका नीचे जाके 8 हो गया, कंप्रेस हो गया, तो डेल्टा वी आपका ना 8 में से 10 गया, माइनस आने वाला है। अब जब तुम यहां पर -2 पुट करोगे तो माइनस और माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसलिए नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि मैं कह रहा था कि आपके न्यूमेरिकल जो है ज्यादातर कंप्रेशन के आते हैं, और कंप्रेशन के केस में डेल्टा भी आपको ज्यादातर 99.99% केस में नेगेटिव ही मिलेगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाए सिर्फ कंप्रेशन की वजह से। क्लियर है यहां तक, न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल्स, इसकी नेक्स्ट लेक्चर इसी का है, आज सिर्फ उसका लेक्चर है, पूरा का पूरा लेक्चर ये कंज्यूम कर जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर चलेगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर न्यूमेरिकली पता लग जाएगा इसको यूज कैसे करना है। और कई न्यूमेरिकल्स में बल्क मॉडल्स दिया नहीं होता, बल्क मॉडल्स की जगह रेसिप्रोकल दिया जाता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स 1/k इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इसे, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, वो क्या करेगा आपको कंप्रेसिबिलिटी दे देगा 10 या 1/10। अब कंप्रेसिबिलिटी दे देगा तो आप सबसे पहले रेसिप्रोकल लेके क्या निकालेंगे, बल्क मॉडल्स, फिर अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये डेफिनेशंस क्लियर है तीनों की, तीनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं, आज का फॉर्मूला बस मेरे को एक ही चाहिए जो आपको आना चाहिए, और वो ये फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, बस। और एरिया कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, बस पाई आर स्क्वायर, ठीक, बी और के सेम है, कई बुक्स बी लगाती हैं सिंबल, कई के लगाती हैं बल्क मॉडल्स का, मर्जी है जो मर्जी लगा दो।